हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 12th क्लास के पाइथन की बुक में हम लोग डिस्कस करने वाले अपने चैप्टर नंबर 12 को। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ सिंपल क्वेरीज हैं, जैसे इस चैप्टर का नाम भी यही है कि सिंपल क्वेरीज इन SQL। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि SQL, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेरीज क्या होती है, किस तरीके से हम लोग क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं, उसके सिंटैक्सेस क्या होते हैं। क्वेरी क्रिएट करते टाइम हम लोगों ने देख रखा है कि हम लोग कह सकते हैं कि SQL या MySQL में हम लोग अपने डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में हम लोग बात कर चुके हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स अपने पास होते हैं, लिटरल्स क्या अपने पास होते हैं, कमेंट्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, नल वैल्यू क्या होती है, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग अभी तक जो है वो कवर कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपको ये भी बता चुका हूं कि हम हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो MySQL सॉफ्टवेयर्स को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है MySQL को यूज करने वाले हैं। MySQL को यूज करते हुए हम लोग आज कुछ बेसिक क्वेरीज को डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। MySQL के लिए फ्रेंड्स बस मुझे यहाँ सर्च पे जाना है। मेरे पास फ्रेंड्स यहाँ MySQL, क्योंकि मैंने कल आपको बता रखा है कि MySQL सॉफ्टवेयर हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने देख लिया होगा। आई थिंक आपने भी अपने कंप्यूटर में MySQL को इंस्टॉल अभी तक कर लिया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर सिंपल सा जो है आपको MySQL का कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जो है वो स्टार्ट करना है। कमांड लाइन क्लाइंट कह सकते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। मोस्टली फ्रेंड्स हम लोग इसी को यूज लेते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं बीटेक में है या 12th क्लास में जो है हम लोग इसी को यूज करते हैं। आपने यहाँ पर कुछ पासवर्ड सेट किया होगा, कुछ बेसिक पासवर्ड डाल रखे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है पासवर्ड डाल रखा है, इस टाइप से फ्रेंड्स मैंने पासवर्ड डाल दिया है, और आप देख सकते हैं अब मेरा जो कंप्यूटर है वो MySQL के कमांड्स को या MySQL की क्वेरीज को चलाने के लिए रेडी है। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जो है जिस प्रॉम्प्ट पे हम लोग है, यहाँ फ्रेंड्स मेरे पास जो है कुछ बेसिक्स, मेरे पास जो है डेटाबेस यहाँ पड़े हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से मेरे पास डेटाबेस है। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड आज हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसका नाम क्या फ्रेंड्स, अपने पास डेटाबेसेस को देखना है। अब डेटाबेसेस को देखना चाहते हैं या टेबल्स को देखना चाहते हैं, उसके लिए अपने पास यहाँ कमांड होता है फ्रेंड्स शो। ठीक है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, शो। अब शो के बाद क्या लिखना है, डेटाबेस। ठीक है, अब एक डेटाबेस तो होगा नहीं, यहाँ MySQL के पास बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स क्या लिखेंगे आप, शो डेटाबेसेस। ठीक है, और उसके बाद आपको याद रखना है आपको क्या यूज करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेमीकोलन, जिससे कि ये स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट हो जाएगा। इन केस फ्रेंड्स आप ये नहीं लगाते, कई बार आप इसको लगाना भूल जाते हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे देखेंगे कि उसको ऐसा फील हो रहा है कि शायद यहाँ जो है लाइन कंप्लीट हो चुकी है, अब आप स्टेटमेंट जो है न्यू लाइन में लेने वाले। तो इन केस कभी ऐसा हो भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, आप अब यहाँ पर सेमीकोलन लगा सकते हैं, या अपने जो भी आपका कमांड है, जो आपकी क्वेरी है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कुछ चीज आप भूल चुके हैं तो आप उसके बाद कंटिन्यू लिख सकते थे, इसके बाद आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा सकते हैं और देन आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास जो है टोटल कितने डेटाबेसेस हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पास एक डेमो नाम का डेटाबेस है, अपने पास इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL नाम का एक डेटाबेस है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास जो परफॉर्मेंस स्कीमा है, इसी टाइप से हमारे पास जो है सकीला है या सिस है या वर्ल्ड है। अब हमने जो है देख लिया यहाँ हमारे पास डेटाबेसेस कौन से, हम चाहें तो फ्रेंड्स अपना खुद का एक डेटाबेस यहाँ क्रिएट कर सकते। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, सिंपल सा है, लिखने वाला हूँ क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ WS क्यूब टेक। ठीक है, आप जो नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं, सिंपल सा डेटाबेस आपने क्रिएट किया है, डेटाबेस फ्रेंड्स मेरा यहाँ क्रिएट हो चुका है। मैं फिर से चेक करना चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो किस तरीके से देखेंगे आप जानते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारे पास अभी तक टोटल कितने या कौन कौन से जो है अपने पास डेटाबेसेस हैं वो देखना है। तो उसके लिए आप क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, शो डेटाबेसेस। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है, शो डेटाबेसेस। स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे, एरर आ जाएगी, आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स WS क्यूब टेक हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर कुछ और क्वेरीज देख रहे हैं। तो अभी जो है फ्रेंड्स मेरे पास इतने सारे डेटाबेसेस है, अब इस डेटाबेसेस में हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस डेटाबेस को यूज करना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ डेटाबेसेस तो हमारे पास पड़े हैं बट इनमें से किसी एक डेटाबेस को हमें यूज में लेना पड़ेगा या उसको एक्टिव करना पड़ेगा, आप जो भी समझे। तो बेसिकली मैं कहने वाला हूँ फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर जो है WS क्यूब टेक को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि मुझे यूज करना है, किसको यूज करना है, WS क्यूब टेक, बस इतना सा लिखना है, एंटर कर देंगे सेमीकोलन के बाद। आप देखेंगे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं डेटाबेसेस चेंज। ठीक है, तो डेटाबेस चेंज हो चुका है, अभी हम लोग कहाँ आ चुके हैं फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक वाले डेटाबेस के अंदर। अब इसके अंदर अपने पास अभी तक कोई टेबल्स नहीं, आगे जाते हो हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे, तो मैं फिर भी देखना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर शो टेबल्स। ठीक है, एक कमांड है आपके पास शो टेबल्स, बस इतना लिखना है। आप देखेंगे ये एम्प्टी सेट है, यानी कि इसके अंदर कोई भी डेटाबेस नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट अभी इसको क्रिएट किया है।
तो अगर आप डेटाबेस को देखना चाहते हैं कमांड क्या लिखेंगे, शो डेटाबेसेस। अगर आप टेबल को देखना चाह रहे हैं तो क्या लिख देंगे, शो टेबल्स। ठीक है, जिससे आपको टेबल्स मिल जाएगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहां मैंने एक डेमो नाम का डेटाबेस बना रखा है, आप उसको यूज कर सकते हैं। क्या लिखना है, केवल यूज डेमो, बस इतना सा लिखना है, यूज डेमो। देख चुके हैं आप, यहाँ पर हम लोग फिर जो है डेटाबेस को चेंज कर चुके हैं। अभी हम लोग कहाँ आ चुके हैं फ्रेंड्स, पहले हम कहाँ थे, डब्ल्यू एस क्यूब टेक में, अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर डेमो के अंदर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स बना रखे हैं हम वो देखना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल सा काम है, क्या करना है आप जानते हैं, शो टेबल्स, बस इतना सा लिखना है, शो टेबल्स। जैसे आप देखेंगे इसके अंदर फ्रेंड्स अभी जो है वो दो अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस के अंदर जो है दो टाइप की टेबल्स है, एक अपने पास इवेंट नाम से है, एक अपने पास पैट नाम से है। अब इसके अंदर जो है फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ पैट के बारे में, तो फ्रेंड्स मैं देखना चाहता हूँ पैट के अंदर किस टाइप का डेटा होगा, उसका टाइप क्या होगा। ठीक है, उसके अंदर हम लोग देखना चाहते हैं कितने फील्ड्स हैं हमारे पास और उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, वो सारी चीजें हम लोग देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर डीईएससी लिखने वाला हूँ। डीईएससी का मतलब हो गया फ्रेंड्स डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, आप चाहें तो डिस्क्राइब पूरा लिख भी सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं डिस्क्राइब। ठीक है, किसको डिस्क्राइब करना है फ्रेंड्स, पैट को, बस इतना लिखेंगे। आप देखेंगे कि जो पैट नाम की जो टेबल है उसके अंदर कौन कौन से आपके पास फील्ड्स हैं, फील्ड्स मतलब कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ एक नेम नाम का कॉलम होगा, एक ऑनर नाम का होगा, इसी टाइप से आपके पास और भी कुछ कॉलम्स हैं आप देख सकते हैं। अब जैसे नेम है तो नेम की वैरकेयर साइज दे रखी जो 20 है हमारे पास में, इसकी वैरकेयर 20, इसकी वैरकेयर 20 है। नल वैल्यू हो सकती है क्या, हाँ हो सकती। कीज, अब इसमें कुछ कीज बनी हुई नहीं है, डिफॉल्ट सभी की वैल्यूज यहाँ नल रहेगी, और यहाँ एक्स्ट्रा कहीं कुछ अगर है तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बर्थ है, यहाँ पर डेथ की जो डेट है वो कुछ लेंगे। तो डेट आप जो डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, डेट एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, एक डेटा टाइप होता है हमारे पास, केयर हमारे पास है, वेर केयर हमारे पास में। ठीक है, इसी टाइप से टेक्स्ट है, दूसरे और भी टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के हमारे पास वैल्यूज थी, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी उनकी रेंज के अकॉर्डिंग। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी, हमने अभी अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि हम लोग यहाँ पर डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को हम लोग देखना चाहते हैं तो किस तरीके से देख सकते हैं, शो डेटाबेसेस के थ्रू, उस डेटाबेस को यूज करना है तो क्या लिख सकते हैं आप, यूज कमांड टाइप कर सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि वहां आपको कोई टेबल अगर आपने पहले बना रखी, जैसे अभी हम लोगों ने टेबल क्रिएट नहीं करी है, मैं इसमें पहले से ही क्रिएट कर चुका था, तो क्या लिखना है फ्रेंड्स आपको, शो टेबल्स लिखना है। ठीक है, तो शो टेबल्स हो जाएंगी, जिससे कि इस डेटाबेस के अंदर जो दो टेबल्स हैं आप यहां देख पा रहे हैं, टेबल्स आ चुकी है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप उसका जो है उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हमारे पास टोटल जो है यहाँ पर फ्रेंड्स कुल मिलाकर के 6 फील्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन या उस टेबल्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी है वो कुछ देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम कौन कौन से कमांड्स यहाँ यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक कमांड होता है अपने पास सेलेक्ट, याद रखना है क्या है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है, हमें डेटाबेस के अंदर से या कह सकते हैं टेबल्स के अंदर से जो है वो टेबल उठा के, उसके टेबल के अंदर की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज उठा के देता है, और उस वैल्यू को हमें यहाँ पर प्रिंट करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं सिंपल सा लिखता हूँ सेलेक्ट। अब देखिए सेलेक्ट करना है मुझे, यहाँ पर जो है अलग अलग फील्ड्स मिल रहे हैं, उनमें से कौन कौन से फील्ड्स को मुझे सेलेक्ट करना है, तो फ्रेंड्स मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर नेम। ठीक है, अभी मुझे ऑनर या दूसरी जो चीजें हैं वो मुझे नहीं लेनी है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर सेलेक्ट नेम। उसके बाद ये नेम लेना कहाँ से, तो आप क्या लिख सकते हैं फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से लेना है उसकी टेबल का नाम बताना है आपको, पैट जो भी आपने नाम दे रखा है वो आप बताएं। आप एंटर करके देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ रहा है, देख सकते हैं कुछ कॉमन नाम है जो इस टेबल के अंदर, या हम लोगों ने कह सकते हैं इस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हम अभी तक स्टोर कर चुके हैं उनमें से कौन कौन से नेम्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स ये कुछ वैल्यूज है, आई थिंक आपको दिख रही होगी, इसके अंदर टोटल 5 वैल्यूज है, 5 रोज इन सेट 0.04 सेकंड्स, यानी इतने सेकंड्स के अंदर जो है उसने वो वैल्यू उठा के लेके आया या कमांड एग्जीक्यूट किया। क्लियर है, अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि नेम नहीं मुझे कुछ और चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा एरो कीज को यूज कर सकते हैं आप ऊपर और नीचे के लिए, तो मैं वहां देख सकता हूँ पहले मैंने कौन कौन से कमांड यहाँ यूज कर रखे हैं, तो वो कमांड्स भी आपके साथ में रिकॉर्ड होते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ फ्रेंड्स, इस बार जो है मुझे नेम नहीं चाहिए, मैं कुछ और लेना चाह रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं जैसे कि बर्थ। ठीक है, मैं बर्थ लिख देता हूँ, तो मुझे यहाँ केवल बर्थ चाहिए, आप देख सकते हैं बर्थ का फील्ड आपको दिख रहा होगा, उसकी जो भी वैल्यूज है वो सब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है,
इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा फील्ड्स को लेना है तो सिंपल सा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएंगी। लाइक फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चाह रहा था कि मुझे नेम भी चाहिए और साथ में बर्थ भी, उनकी जो बर्थ डेट है वो भी मुझे चाहिए। आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको मिल जाएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग साथ में कुछ और चीजें भी यूज कर लें, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स मैंने नेम किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ और फील्ड्स भी है, तो मैं यहाँ पर ओनर को ले लेता हूँ, तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं एक एक फील्ड और हम लोग यहाँ डालना चाह रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड्स 3 जो है फील्ड्स आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी ठीक है हमारे पास 5 जो है फील्ड्स, अगर यहाँ हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स होते, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ किस तरीके से ले सकते थे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है, स्टार को यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार, बस क्या लिखना है, स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहां से लेना है फ्रेंड्स, पैट नाम की फाइल से, है ना, उस टेबल से आपको डेटा लेना है, तो बस आपको इतना लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपके टेबल का नाम है, आप इतना लिख देंगे, उसमें जो कुछ भी फील्ड है वो सारे के सारे मिल जाएंगे और सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे। इसी टाइप से आप अगर चाहते हैं तो इसके अंदर कुछ और फीचर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स एक सिंपल सा हम बात कर ले, सेलेक्ट एक सिंपल सा भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट सपोज की 5 + 7, अगर मैं ये लिखूं, है ना, तो ये क्या करेगा, इसका कैलकुलेशन जो है वो मुझे डिस्प्ले कर देगा, कुछ इस टाइप से मुझे डिस्प्ले करेगा 5 + 7, और देन उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट आया कितना है 12। आप कोई भी यहाँ पर फ्रेंड्स कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं, लाइक मैं लिखने वाला हूँ 5 × 7 करना चाह रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 × 7 = 35 आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सेलेक्ट जो है वो बेसिकली क्या करता है, डेटा को शो करता है। आप शो अगर किसी टेबल में से करना है, आप टेबल में से डेटा लेके आ सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो आप यहाँ सेलेक्ट, अब सेलेक्ट किसको करना है, तो आपको नेम को करना है, ऑनर को करना है, बर्थ को करना है, या किसी और फील्ड्स को भी करना है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ जो है बर्थ को पहले लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जिसको लेना चाहें, ठीक है, मैंने इस टाइप से कर दिया फ्रेंड्स, बर्थ कॉमा नेम कॉमा ऑनर कॉमा इसके बाद जो है फ्रॉम पेट, अगर आप देखेंगे तो इस बार बर्थ पहले आ जाएगा, तो ये कोई इश्यू नहीं है, आप पहले किसी को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पर जो है कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ्रेंड्स सेलेक्ट क्वेरी की कुछ और वैरायटी, जैसे मैं लिखना चाह रहा था। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर जो है सारे कंटेंट को दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, बेसिक था सेलेक्ट स्टार कहाँ से फ्रॉम जो भी फाइल का नाम है आपको वो लिखना है, टेबल का नाम लिखना है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये देखना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा डेटा जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको रिपीट नहीं करे, उसको एक एलिमेंट माने और उसको डिस्प्ले कर दे। जैसे आप सेक्स में देख सकते हैं कुछ एफ है कुछ एम एम है, तो आप वहां पर केवल एफ और एम को ही डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स स्पीशीज जो अपने पास है वहां केवल आप हैमस्टर को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं क्योंकि वो दो बार है, तो एक बार ही उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, अब एक नाम आपके पास एक कह सकते हैं कीवर्ड है डिस्टिंक्ट, ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट। इसके बाद आपको इसमें लिखना है कि आप किसको करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ स्पीशीज को, और यहाँ पर हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, तो लिख दूंगा फ्रॉम पेट, ठीक है, इस टाइप से। अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो रिकॉर्ड्स हैं जबकि यहाँ वो एक रिकॉर्ड ही दे रहा है, तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है उसको रोकने के लिए आप यहाँ पर जो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो MySQL में या SQL में जब आप क्वेरीज लिखते हैं तो क्वेरीज अपने पास जो होती है वो अगर आप चाहें तो अपर केस में भी लिख सकते हैं या लोअर केस में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, आप चाहें जो केस यहाँ यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सपोज मैं सेलेक्ट क्वेरी एक और तरीके से बता देता हूँ, जैसे आप लिख सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट, अभी आपको अगर आज की करंट डेट देखनी तो सिंपल सा है सेलेक्ट CURDATE, ठीक है, करंट डेट देखने के लिए भी आप यहाँ एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं आज की जो करंट डेट है 28 जनवरी है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डेट को भी देख पाएंगे। तो बहुत सारे फंक्शंस भी आप यहाँ यूज कर सकते हो सेलेक्ट के साथ, जो हम लोग आगे देखेंगे, और सेलेक्ट जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्वेरीज है। तो थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग डिस्कस करें, डेटाबेस हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं डेटाबेसेस को, टेबल्स को, या हम लोग जो है टेबल के कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बेसिक चीजें आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स और भी बहुत सारी क्वेरीज है जो हम लोग आगे के जो वीडियोज में है करने वाले हैं, तो आज हम लोग एक बार इतना ही डिस्कस करते हैं।
तो आज हम लोग फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।